तापी जिल्लानी सरहदे आवेला महाराष्ट्रनी हदना नवापुर खाते राज्यना माजी मंत्री दादा साहेब माणिक रावजी गावितना परिवारना हस्ते विविध गामोमां गणेश उत्सव निमित्ते श्रीजीनी प्रतिमानु वितरण करवामां आव्युं हतुं। नवापुर खाते योजायेला एक कार्यक्रममां माजी सांसद अने राज्यना मंत्री रही चूकेला एवा दादा साहेब माणिक रावजी गावितना परिवार द्वारा मात्र रूपया एक ना टोकन थी विविध गामोना गणेश आयोजकों ने गणेशजीनी प्रतिमा वितरण करवामां आवी हती। कोरोना बीमारी का सावट छाया हुआ है, तीन चार महीनों से लोग बेचारे आज भी घर में बसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनकी रोजी रोटी रोजगार उनका बंद हो चुका है, उनके जो उद्योग है वो आज बहुत सारे लोगों के बंद हो चुके हैं। तो यही माध्यम से कहीं ना कहीं गणपति बाप्पा ने कल्पना दी, गणपति बाप्पा का आशीर्वाद है कि कुछ न कुछ तेरी तरफ से, तुम्हारे परिवार की तरफ से कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए। ये हिसाब से मेरे बच्चे ने और मेरे दोस्तों ने, हमने सबने हमारे नवापुर तहसील में हमारे माणिकराव गावित दादा परिवार की तरफ से कि भाई ये त्योहार है, ये त्योहार हर सबने मनाना चाहिए और ये त्योहार के अंदर हर घर में खुशी आनी चाहिए और हर घर से दुख ये गणपति बाप्पा दूर करे, ये सोच के हमने एक संकल्प किया कि ये कोरोना के माहौल में कोई बुजुर्ग या कोई जवान या कोई बच्चा आज उसकी परिस्थिति इतनी नहीं है कि वो मार्केट में जाए और गणेश जी लेके आए और गणेश जी की स्थापना वो अपने घर में कर सके, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे आराध्य देवता है कि सबसे पहले उसका पूजन होता है और महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में उसको अपना एक सदस्य, अपना घर का परिवार मानते हैं और वो उसकी गणेश जो उत्सव है उसमें मनाया जाता है और गणेश जी हर घर में विराजमान रहते हैं। तो वही सोच के, यही सोच के हमने सोचा कि क्यों ना हम इस त्योहार में अपने जो भाई बहन है, जो बिचारे जिनकी ये कोरोना से आज उनके घर में गणेश जी का आगमन होने वाला है, लेकिन कोई परिस्थिति की वजह से बिचारे लाचार है, वो गणेश जी की मूर्ति खरीद पा नहीं रहे, ऐसे में हमने सबने मिलकर सोचा कि हमारे तरफ से हमारे परिवार की तरफ से एक गणेश जी की छोटी मूर्ति हर परिवार को दी जाए, जिसका मूल्य सिर्फ हमने एक रुपया रखा है और गणेश जी का जो आगमन है वो धूमधड़ाके से हर साल जो बरसों से होता आ रहा है वो भी इस साल बरसों से होता रहेगा और हमारी यही आशा है कि जहाँ जहाँ गणेश जी के पैर आएंगे, गणेश जी जहाँ जहाँ विराजमान होंगे, गणेश जी जहाँ जहाँ आगमन करेंगे, वहां से कोरोना का ये जो सावट है वो ये जल्दी से निकल जाए, ये पूरे देश में पूरे विश्व में शांति बनी रहे और ये कोरोना से जितने भी हमारे लोग हमसे नहीं है, हमारे में नहीं है, हम उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार का स्वास्थ्य सही सलामत रहे और आगे वाली आने वाली जो भी विटंबना है वो गणेश जी दूर करे, यही शुभकामना के साथ हमने ये सोच रखी थी और वो आज हम इस नवापुर से हर घर में एक छोटा गणेश जी का मूर्ति हमारे परिवार की तरफ से बिना मूल्य, सिर्फ एक रुपया मूल्य की तरफ से हम उनको देने जा रहे हैं। ये त्योहार बहुत आनंदोत्सव से साजरा करें, ये हम सबको हमारी तरफ से शुभकामना है। जय गणेश।